मैं हूँ सोनाली मिश्रा और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज हमारे प्रोड्यूसर से, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फिल्म बनाई है जिसका नाम है तेरा एक अगोर। तो मिलते हैं, हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर राजू भारती जी जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले राजू भारती जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे साथ में है इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, उनका नाम है प्राजक्ता शिंदे जी। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। और सबसे पहले तो राजू जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि फिल्मों में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली जो आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की? हम भारतवासी, इंडिया में रहते हैं, हमें फिल्म का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे तो एक्स्ट्रा में फिल्म बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लाइक करता हूँ, और हर फिल्म जो आती है तो मैं देखता। तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म में काम अपने को मिले, बट फिल्म में काम नहीं मिल पाया, लेकिन प्रोड्यूसर एज अ फिल्म, उनको जो काम मुझे नहीं मिला उनको ही काम क्यों ना दे, ये मेरे दिमाग में था। इसलिए मैं एज अ प्रोड्यूसर की फिल्म बनाया मेरा एक अगोरी, वो जो कि 28 आने वाले 28 तारीख को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने कहा कि फिल्म में जो जिन लोगों को चांस नहीं मिलता है, और एक बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि जिनको चांस नहीं मिलता है तो आपने खुद प्रोड्यूस किया और ये फिल्म बनाई। तो आपकी फिल्म में जो एक्टर्स आपने लिए हैं वो बिल्कुल नए एक्टर्स हैं, नोन फेसेस नहीं हैं। तो आपने ऐसा, मतलब ये पहली फिल्म है आपकी और आपने नोन एक्टर्स नहीं लिए, इसके पीछे का कारण क्या? मैम एक्चुअली कोई नोन नहीं रहता, सब जन अपने काम में बेस्ट रहने की कोशिश करते हैं, उसमें नए एक्टर बोलो या पुराने एक्टर बोलो। अब जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं जिनकी फिल्म बनती है 500,000 करोड़ में, वो भी नहीं चल पाती। अब पुराने एक्टर को लेकर नए लोगों को चांस कौन देगा, इसलिए मैं नए लोगों की तरफ ज़्यादा दिया। और आप पूरे फिल्म में ऐसा नहीं बोल सकते कि नए चेहरे, हमारे फिल्म में ओल्ड चेहरे बहुत है। जैसे कि सिंगिंग में हमने वैशाली माले जी, नकाश अजीत जी, शाहिद माल्या जी को रखे, और एटम सॉन्ग में हीना पांचाड़ जी को रखे, वो फ्रेश चेहरे नहीं बोल सकते आप। हाँ, मतलब अगर इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो आपने जो सिंगर्स लिए हैं वो सारे के सारे बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स हैं। वेल, इसका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, मैंने भी इसके गाने सुने। सो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज आपको। तो प्राजक्ता जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म में? जी, सही सवाल किया आपने। मेरा एक अगोरी इस फिल्म में मेरा जो अनुभव था बहुत बढ़िया था, और इससे बहुत कुछ इस फिल्म में मुझे सीखने को मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी हॉरर फिल्म किया ही नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ा। कभी कभी तो ऐसे हॉरर डायरेक्ट मुँह पे आता था, मतलब वो तो मेकओवर था और मैं सच में डर जाती थी कि अचानक कैसे आ गए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं इस फिल्म में, क्योंकि हॉरर फिल्म है जी, और इस फिल्म में जो एक लोगों को डराने वाला जो मेकअप होता है उसको देख के आप खुद भी डर गए? मैं खुद भी डर गई थी, हालांकि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ऐसे ऐसे होने वाले, लेकिन अचानक ऐसे आ जाएगा तो पता नहीं था ना। तो मैं तो परछाई से डरती हूँ, बट मैं ऐसे अचानक आ गए तो फिर ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। क्या बात, वेरी नाइस। हिना जी, इस फिल्म के अलावा और भी आपके कोई और आपकी फिल्में आने वाली हैं? जी जी, इससे पहले मैंने मराठी मूवी काफ़ी कर चुकी हूँ, रोमांटिक मूवी कर चुकी हूँ, म्यूजिक वीडियो एल्बम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो एक फिल्म आने वाली तुझात में जो मराठी मूवी है, जो मेरे को स्टार शक्ति मिलिरा जी है उसमें, जो कि इस फिल्म में भी एक्टर है। जी जी, एज अ लीड एक्ट्रेस हूँ मैं इसमें, तो बेरा एक अवरी में तो दो एक्ट्रेस है, लेकिन यहाँ मतलब मैं और मेरे को स्टार। बहुत अच्छा, तो हमारी बहुत सारी विशेज हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए, कि आपकी फिल्म बहुत अच्छे से चले। 28 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है बेरा एक अगोरी। सो बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।